आज हम लोग आए थे शिवक माता मंदिर में, जो सिलीगुड़ी से थोड़ा सा दूर है, सिलीगुड़ी से बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो आज मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा माता जी के मंदिर में। और यहाँ पे एक नदी ब्रिज भी है, कोरोनेशन ब्रिज, वहाँ पे भी मैं जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं, देखता हूँ कि माता जी के मंदिर में कैसा मज़ा आता है, जो भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माता जी का मंदिर है। ये पूरा टॉप फ्लोर पे है पहाड़ की। तो यहाँ पे माता जी का जो फ़ोटो है वो लेना मना है, यानी कि इसका जो माता जी का जो फ़ोटो है वो खींचना मना है, इसलिए फ़ोटो में खींच नहीं सकता हूँ। वहाँ पे शिव मंदिर है और इस साइड में जो मोमबत्ती और जो भी है अगरबत्ती देने के लिए जगह है। माता जी का मंदिर का जो है दर्शन हो गया हम लोगों का। अभी हम लोगों को जाना है भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। तो वहाँ पर जाने के लिए अभी मुझे सीढ़ी से नीचे उतरना होगा, उसके बाद भोलेनाथ की दर्शन करना होगा। तो वो जो मंदिर है वो सामने ही है एक्चुअली। तो हम लोग जा रहे हैं अभी भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। तो चलिए भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन करके आते हैं। देख सकते हैं सामने जो है वो भोलेनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी की मंदिर के पास हम लोग आ गए। आ गया अभी भगवान शिव मंदिर के पास। ये जो है वो तीस्ता नदी है। ठीक है, देख सकते हैं।
भगवान शिव की मंदिर यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जो कॉर्नेशन ब्रिज है यानी कि सेवक ब्रिज जो यहाँ पे साफ दिख रहा है, ऐसे ही यानी कि भोलेनाथ की जो मंदिर है वहाँ से दिख रहा है। और इस साइड में जो आप देख सकते हैं कि वो जो मंदिर है वो माता जी का मंदिर है जो अभी हम घूम के आए अभी। और इस साइड में देखिएगा तो बाकी जो है फ़ोटो वगैरह खींच रहा है, ठीक है। और इस साइड में देख सकते हैं वो ब्रिज देखिए बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। और यहाँ पर पहाड़ जो है ना बहुत मस्त लग रहा है, नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत है। मैं अभी ब्रिज की तरफ जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा ब्रिज कैसा है, ठीक है। यहाँ से तो ब्रिज मस्त लग रहा है क्योंकि बहुत मस्त ब्रिज है, देखने में अच्छा है। एक्चुअली ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1937 में स्टार्ट हुआ था बनना और 1941 में ख़त्म हो गया था, यानी कि 6-4 साल में ख़त्म हुआ था। और इसका खर्चा जो आया था लगभग 6 लाख का खर्चा हुआ था उस टाइम पर। तब से ब्रिज एज इट इज़ वैसे ही है। तो माता जी का मंदिर भी दर्शन हो गया, भोलेनाथ जी का दर्शन भी हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं जो कॉर्नेशन ब्रिज है उसके तरफ। तो सामने देख सकते हो बहुत बड़ा एक पहाड़ है और ये रोड है, जो रोड घूम के मतलब जो रोड है वो पहाड़ की रोड है एक्चुअली। तो बहुत साफ़ सुथरा है जगह का देखा जाए तो, गंदगी नहीं है जगह पर। टूरिस्ट जो है बहुत है, टूरिस्ट आया हुआ है इधर। तो चलिए पहाड़ की तरफ जो है वो ब्रिज की तरफ जाते हैं और पहाड़ भी देख लेते हैं कैसा है नहीं है, ठीक है। चलिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं ब्रिज के पास यानी कि ब्रिज के ऊपर। तो आप देख सकते हो व्यू जो है बहुत ही ऑसम व्यू है। सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो बहुत 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 ज़्यादा मस्त दिख रहा है। और बहुत देखिए आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो है बहुत घूम यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आए। बंदर भी बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं इधर उधर करके। और अगर टूरिस्ट की बात किया जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट है। यहाँ पे ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा तेज ठंडी है इधर। और व्यू जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो नदी है तीस्ता नदी, देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में। तीस्ता नदी जो है सामने में इतना दूर गया है वो नदी। इस साइड में व्यू जो है वो बहुत मस्त है देखने में। आप देख सकते हैं इस साइड का जो नज़ारा है। देखिए बंदर है इधर, बहुत सारे बंदर है इधर। तो यहाँ पे एक सामने एक दुकान है उस साइड में, तो अब मैं लेके आपको चलाऊँगा, मैं जाऊँगा अगले पे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो कॉर्नेशन ब्रिज है बहुत साफ दिख रहा है। इस साइड में दुकान है और यहाँ पे कॉर्नेशन ब्रिज है, बहुत ही साफ दिख रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं ब्रिज नीचे तीस्ता नदी है, ठीक। नज़ारा जो है बहुत मस्त है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही है। सेवक ब्रिज और सेवक माँ का मंदिर और भगवान जी का दर्शन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।